हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज आप लोगों को मैं लखीमपुर खीरी के देवकली मंदिर में दर्शन कराने ले चलती हूँ। आज सावन का पहला दिन है तो शिव जी के दर्शन करिए। जय भोले बाबा। बोले ये देवकली मंदिर काफ़ी पुराना त्रेता युग का है। यहाँ पे जो सर्पयुग यज्ञ हुआ था ना, जो भागवत में परिचित की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, यहाँ पे वो यज्ञ जो हुआ था सर्पयज्ञ, जब सारे सांपों को उन्होंने यज्ञ किया था तो उसमें एक दक्षक जो बचे थे, तभी से ये मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। कहते हैं नागपंचमी में यहाँ से जो मिट्टी लाते हैं तो वो मिट्टी डाल लो घर में तो कभी भी सर्प दिखते नहीं हैं, घर में नहीं आ सकते हैं। तो यहीं मैं गई थी दर्शन करने। सावन का पहला सोमवार है, बस पहला सोमवार नहीं, अभी है, पहला सोमवार आने वाला है, लेकिन सावन का पहला दिन है तो दर्शन करने के लिए आप लोगों को मैंने सोचा दर्शन करा दूँ। यहाँ काफ़ी विशाल विशाल पुरानी मूर्तियाँ हैं जो आपको पहचान में भी नहीं आएंगी, लेकिन उसमें सारी नक्काशी जैसे पहले बनाते थे ना राजा महाराजाओं ने बनवाई होंगी, उनकी है ये मूर्ति। ये हैं बजरंगबली बाबा, ये देखिए सभी। मैं जब गई थी तो भीड़ नहीं थी, इस वजह से मुझे दर्शन अच्छे से हो गए। लेकिन जब यहाँ पे सावन के पहले सोमवार में आओ या सोमवार किसी भी सोमवार को, बहुत भीड़ रहती है। ये है राधा कृष्ण मंदिर, मैं शिव जी के पास में सारे मंदिर हैं और ढेर सारी शिवलिंग बनी है यहाँ पे और अच्छे अच्छे मंदिर हैं, झांकियाँ हैं यहाँ पे बनी हैं। दर्शन करिए। जय सीताराम। सरस्वती मैया जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, ये चारों तरफ पेड़ पौधे और तीर्थ स्थान भी है। काफ़ी मेला लगता है यहाँ पे सोमवार जो होता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दर्शन करने। काफ़ी दूर दूर से सब लोग आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो आइए सब, कभी भी लखीमपुर आइए तो दर्शन जरूर करिए, देवकली मंदिर जरूर जाइए। ये शिवलिंग ढेर सारी बनी है, शिव जी की काफ़ी विशाल मूर्ति है, कार्तिक जी, गणेश जी, ये सूर्य भगवान है, ये कार्तिक जी है, यहाँ का मुझे वातावरण बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा लग रहा था, इतनी गर्मी पड़ी थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये परशुराम जी हैं, अभी बड़ी मूर्ति है तो अच्छे से नहीं ले पाई, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को दर्शन। ये परशुराम जी की, परशुराम जी भी काफ़ी गुस्से वाले थे। आप लोगों ने की रामायण में कथा तो सुनी ही होगी, कैसे लक्ष्मण जी से इन्होंने लड़ाई की थी तो काफ़ी जल्दी मान भी जाते थे, जब राम भगवान ने अच्छे से बात की तो ये मान भी गए और गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता था। जय श्री राम बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा था। काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं और मैं सभी के दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ। आइए अब मैं बालाजी के दर्शन कराती हूँ आपको, बालाजी की भी विशाल मूर्ति यहाँ पे बनी है, काफ़ी बड़े हैं बालाजी, कितना सुंदर लग रहा था। नदी वदी है पास में, जय बालाजी महाराज। भीड़ काफ़ी होती है बट आज भीड़ नहीं है। यहाँ पे सावन के सोमवार में कभी भी आइए, आपको ऐसे ही बहुत भीड़ मिलेगी, मेला लगता है ना यहाँ पे। लेकिन आज मुझे अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। कभी भी किसी भी मंदिर में जाओ, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊं, और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।